वास्तु लिविंग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत। हमारे साथ हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावाड़ा, जिनके साथ आज हम बातचीत कर रहे हैं न्यू होम बाइंग एंड वास्तु विषय पर। इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आइए पहले उनसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, टिप ऑफ द वीक क्या है? शास्त्र में कई बार घर के अंदर अलग अलग तरह के ब्रेड विनर होते हैं। जो लोग घर के अंदर फीमेल, यानी कि जो उस घर में ब्रेड विनर फीमेल हो, मदर हो, बेटी हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, ऐसे घरों के अंदर उनको आम तौर पे अपना वेल्थ कॉर्नर इंक्रीज करने के लिए घर के अग्नि कॉर्नर के अंदर पर्पल कलर की चीज़ों को रखना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है और ज़्यादातर पर्पल कलर की चीज़ों को रखने के लिए वो कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। पर्पल कलर का कोई भी इस तरह का कपड़ा हो सकता है, ऐसे कलर के आर्टिफिशियल स्टोन हो सकते हैं जिसमें कलर शाइन करता हो। मैक्सिमम पर्पल कलर की चीज़ों को साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए। जी पल्लवी जी, जो हम न्यू होम बाइंग की बात कर रहे हैं, क्या जो लोग अभी घर खरीदने का नहीं सोच रहे हैं, घर को रेंट करने का सोच रहे हैं, मतलब रेंट पे ही रहते हैं, लेकिन जैसे बच्चों के चलते अच्छे स्कूल डिस्ट्रिक्ट के पास जाते हैं या अच्छी जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ हो उन एरियाज़ की ओर जाते हैं और रेंट ही करना चाहते हैं, तो क्या यही रूल्स एंड रेगुलेशंस वास्तु के उधर भी मायने रखते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर खरीदने वाले लोगों को अपनी प्रॉपर्टी वो लीज कर रहे हो रेंट के हिसाब से, चाहे अपार्टमेंट बिल्डिंग हो, सिंगल फैमिली होम हो, या खरीद रहे हो, या कस्टम आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, दिशाएं प्रिंसिपल वास्तु के सेम ही रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि अगर घर आप लीज करते हो तो उसका वास्तु आपको असर नहीं करेगा। जहाँ पे आप रहते हो, जिस जगह का हवा उजास आप भुगतते हो, उसकी इफेक्ट आपकी जिंदगी पे होती है, चाहे वो आपकी अपनी हो चाहे वो लीज हो, इक्वल बेनिफिट्स। और दूसरी बड़ी बात ये कि लोग जो खरीद रहे हैं, हर एक का अपना अपना बजट है, हो सकता है कि कोई सिंगल फैमिली होम देख रहा हो सकता है कोई मेंशन वाली बड़ी प्रॉपर्टी देख रहा हो, और हो सकता है कि कोई कॉन्डोमिनियम देख रहा हो, कोई हो सकता है कि टाउन होम देख रहा हो। बड़ी बात यह आती है कि जो सिंगल फैमिली होम जो कॉमन देखे जाते हैं, सिंगल फैमिली होम में थोड़ी एक लिबर्टी होती है। अगर आपको थोड़े से चेंजेस करने हैं, लैंडस्केपिंग की बात आपने कहा कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं करने हैं, तो आप कर सकते हैं, आपके पास यू आर द ओनर, यू हैव रेक्टिफाई रेमेडी के लिए ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। लेकिन जो टाउन होम्स होते हैं या कॉन्डोमिनियम्स होते हैं, खासतौर पर जो हाई राइज में हों या फिर जो एक लाइन में हों और वो दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर, दे आर अटैच्ड कॉन्डोमिनियम्स, वहाँ पर अगर स्ट्रक्चरल चेंज करना पॉसिबल नहीं हो, उन दर्शकों को क्या सुझाव देंगे आप? जैसे लॉस एंजलिस वगैरह के अंदर लडेरा रेंज करके हैं, कुछ एरिया ऐसे हैं जिसके अंदर ज़्यादातर टाउन होम काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसका फ्रंट और उसका गराज डोर हमेशा बैक में होता है, जैसे केली होती है और वहाँ से गराज डोर होता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको दो कम्प्लीटली विपरीत डायरेक्शन मिलती है, तब क्लाइंट वहाँ पे कन्फ्यूज होकर अटक जाता है कि अगर मेरे को नॉर्थ अच्छा है तो पीछे तो साउथ मिलना ही मिलना है, अगर ईस्ट अच्छा है तो पीछे वेस्ट मिलना ही मिलना है। तो इस कंडीशन के अंदर ये देखा जाता है कि मेन जो एंट्रेंस डोर है उससे गराज डोर काफ़ी बड़ा होता है, तो जो बड़ी चीज़ खुलती है वो गलत नहीं होनी चाहिए। छोटा डोर होता है उसको चलो आप नहीं यूज़ करोगे तो भी चलेगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जहाँ पे दो अपोजिट जगह पे आपको मिलती हो, विरुद्ध दिशाएं मिलती हो, तो उसके अंदर मैक्सिमम एक्सेस वाली या बड़ी डायमेंशन वाली, जैसे कि हम इसको गराज डोर बोल सकते हैं, उसकी एंट्री को सही लेने की कंसल्टेंट की ओर से कोशिश की जाती है। जी दर्शकों, हमारे वास्तु लिविंग के आज के अंक में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से खास किसी विषय पर बातचीत करें, आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। दैट्स vastu@tvasiausa.com और हमारा फैक्स नंबर है 732-650-1112। एक बार फिर से नोट करें, vastu@tvasiausa.com और फैक्स नंबर है 732-650-1112। फैक्स नंबर खास इसलिए और ईमेल आईडी खास इसलिए कि और जो बहुत से दर्शक हमारे साथ लाइव एपिसोड में जुड़े थे, उनको एक बार फिर से सूचित करना चाहेंगे कि यदि आप ब्लूप्रिंट्स या अपने घर का एड्रेस देते हैं जिसे गूगल मैप के ज़रिए पल्लवी जी स्कैन कर सकती हैं, देख सकती हैं, as crisp and as accurate your question is going to be, as accurate her answer is going to be. तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जो एक ज़रिया बना है, उस ज़रिए से आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। उसके अतिरिक्त एक बार फिर से बहुत से जो दर्शक नए जुड़े हैं वास्तु लिविंग के साथ, उन्हें बता दें कि हर महीने के दूसरे रविवार को वास्तु लिविंग का लाइव कॉलम शो होता है, जिसमें हम पल्लवी जी से एक घंटे के दरमियान
12 बजे ईस्टर्न समय के अनुसार से 1 बजे तक हम लाइव फ़ोन कॉल्स लेते हैं और एक प्रयास रहता है कि आपके सवाल हों और पल्लवी जी के डायरेक्ट आंसर्स हों। पल्लवी जी, आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं अगले अंक तक के लिए, और एक बार फिर से हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों को जो है, हम मुस्लिम समुदाय को जो है, ईद की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक। और विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लविंग।